भारत है। जी उस्ताद। भारत और भारतीय वैज्ञानिकों पे न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व का गर्व है। विक्रम साराभाई भारतीय वैज्ञानिक तथा उद्योगपति थे। उन्होंने भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की स्थापना की। उनकी कोशिशों का ही नतीजा था कि आज हमारे देश के पास इसरो जैसी विश्व स्तरीय संस्था है। साराभाई ने कुछ वैज्ञानिकों के साथ मिलकर तिरुवनंतपुरम के एक छोटे से गांव थुनवा से एक छोटा सा रॉकेट लॉन्च किया और आज इसे सब विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1975 में नासा से संपर्क कर सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट साइट की स्थापना करी और इसी के बाद भारत में टीवी का दौर शुरू हुआ और 1966 में भारतीय सरकार ने विक्रम साराभाई को पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। 14 जुलाई 2023 को भारत ने अपना चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। Scientists and they will give some lesson to you. So please be with us. अब देखते हैं कितने लोग ये कहानी पहचान पाते हैं। इसी नुक्कड़ नाटक के अंदर एक कहानी आपको आखिरी में सुनाई गई माउंट एवरेस्ट की। उसमें जो साइंटिस्ट इंडियन साइंटिस्ट या भारतीय वैज्ञानिक का नाम लिया गया, क्या वो नाम बता सकते हैं कौन थे? और नाम के साथ साथ ये बताना पड़ेगा उनका काम क्या था। जी सर को माइक दिया जाए। दूसरी लड़की जो माइक उठा रही है जिसे सवाल पता है वही माइक देगी, उसे जवाब पता है मुझे पता है। एवरेस्ट एक बड़ी अच्छी विडंबना जिसे हम कहते हैं वो है। And I think by profession he was assisting Mr. Everest. He was actually a surveyor who used to, you know, measure geographic terrains and all this. So the answer is absolutely correct. और आपको मैं एक बड़ी अच्छी कहानी बताता हूँ। जो एवरेस्ट है, जॉर्ज एवरेस्ट, जिसके नाम पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, उन भाई साहब ने एवरेस्ट की पहाड़ी देखी नहीं है। वो अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम में कभी गए नहीं एवरेस्ट पे, ना उन्होंने देखा, फिर भी उनके नाम पे जॉर्ज एवरेस्ट और एवरेस्ट की चोटी है। और जिस आदमी ने उसको डिक्लेयर किया था कैलकुलेट करके कि ये सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम हमारी किताबों में नहीं है, तो वो थे राधानाथ सिंह। चलिए एक दूसरी और कहानी बता दो। एक शिप थी जो जापान से यूएस जा रही थी, कैनेडा, ठीक है। और उस शिप में दो आदमी मिलते हैं, एक अधू थे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे। और उन दोनों के मिलने की वजह से आज इस देश का नंबर वन, मतलब अगर हम काउंटिंग में देखें तो वो नंबर वन साइंस का रिसर्च इंस्टीट्यूट कहलाता है, साउथ ऑफ इंडिया में है। तो आपके तीन सवाल है इसके अंदर। एक, वो साधु कौन थे? एक दूसरा, वो इंडस्ट्रियलिस्ट कौन थे? और तीसरा, वो इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? वी हैव अ
मैडम वुड यू लाइक टू आंसर? अच्छा और कोई छोटी सी बच्ची जवाब देना चाहेगी? हाँ अच्छा माइक मिल गया, हाँ बताओ। इंडस्ट्रियलिस्ट का नाम था जमशेद जी टाटा और साधु थे स्वामी विवेकानंद और इंस्टीट्यूट का नाम है शायद से टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जी कहाँ पे है? नहीं पता। आज की तारीख में क्या कहते हैं? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज जब सबसे पहले शुरू हुआ था तब था, आज क्या नाम है? यू आर ऑलमोस्ट कैटिंग, छोटी सी लड़की भी आई थी, लेट्स पास ऑन दिस क्वेश्चन टू हर। आराम से माइक नहीं टूटना चाहिए, माइक बेटा माइक। विक्रम सारा भाई? ना ना, विक्रम सारा भाई नहीं थे। Who else? एक और ये छोटे से बच्चा, कम ऑन, हाँ बोलो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या साइंसेस? साइंस या साइंसेस? साइंसेस। विजय सर पापा ने आंसर बताया लगता है। बिल्कुल सही जवाब है। बेसिकली जब स्वामी विवेकानंद, इन दोनों को प्राइजेस दो भाई, जितने विनर्स है कहाँ है, देने वाले प्राइज वाले कहाँ है भाई? मनीष जी आइए, ये प्रोफेसर मनीष कश्यप है आपके स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस से जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, तो मनीष जी देंगे, आइए प्लीज मिनर्स प्लीज कम ओवर हियर। जाना आई सेल्फ ऋषभ शर्मा, आई एम फ्रॉम नोएडा जेपीएस। माई सेल्फ कौस्तु वत्स, आई एम इन 8th स्टैंडर्ड ऑफ श्री चैतन्य पब्लिक स्कूल। So, it seems our team is ready. Ambika ji? ओके तो अब हमारे सामने होगा फैंसी ड्रेस कंपटीशन। इस कंपटीशन के लिए हमारे जज हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपना स्थान ग्रहण करें और इस कार्यक्रम इस जो कंपटीशन को स्टार्ट करें। डॉक्टर टीना सहगल जी असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट आईपी यूनिवर्सिटी में, स्वागत है मैम आपका। मिस सोवनिका पाल प्रिंसिपल हैं विद्या भारती स्कूल। फर्स्ट वुमन टू गो इन द स्पेस In 1997 from India. When you look up in the stars in the or in the galaxy, you feel that you are not in the in any piece of land or in the solar system. Thank you. Namaskar. My name is Mukund Saini. I study in 5th class. I am a student of Lancers Convent. I am present here as a great Indian scientist Aryabhatta. Aryabhatta was a famous Indian mathematician, astronomer. He was born around 476 AD during the Gupta dynasty in Pataliputra, Bihar. As an astronomer, he discovered motion of solar system and also discovered that Earth rotates around its own axis. He also calculated the time of a day and year. He also told the world about the phenomenon of solar and lunar eclipses. Finally, he concluded that moon revolves around the Earth as its satellite and reflects and shines due to the reflection of the Earth. He was known as the father of Indian mathematics as he invented the number zero and he gave the world value of pi. His further discoveries are algebra, trigonometric functions, indeterminate equations, place value system. His formulas are used all over the world. He wrote 3 books, Aryabhatiya, Arya Siddhanta and Alnans, in which he talked about astronomy, astrophysics. Even Einstein said that we are very grateful to the Indians who taught us to how to count. Without that, the scientific discoveries would not happen. Finally, he died in 550 AD. Thank you. Wow.
Wow, Mukan. Man of India. और आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा कि मैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया कैसे बना। एक दिन मैं खेल रहा था और मैंने खेलते खेलते एक पंछी को मार दी। फिर मैंने पंछियों की पढ़ाई करना शुरू की और फिर मैं बर्ड मैन ऑफ इंडिया बना। मेरे पास आज एक तोता है और मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ। तोते की चोंच लाल रंग की होती है, वो कलरफुल भी हो सकता है और वो ग्रीन कलर का होता है। और तोते को लाल और हरी मिर्च बहुत पसंद है और ये किसी का आसानी से पेट भी बन सकता है। थैंक यू, वणक्कम। एनपेरुरियांच मिट्टल, आज मैं सर सीवी रमन बनके आया हूँ, जिनका जन्म तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली में हुआ था। उनके पिता का नाम चंद्रशेखर अय्यर था, उनकी माता का नाम पार्वती अम्मा था। उनके पिता एक साइंस के टीचर थे, इसलिए उन्हें नई नई किताबें पढ़ने को मिलती थी। उन्होंने हमारे देश में कई उपलब्धियां डाली। पहली उपलब्धि प्रकाश, दूसरी उपलब्धि उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज भी की, इसलिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। थैंक यू। सावर्धन करें क्लैपिंग के साथ। मेरा नाम अठहर दीक्षित है, मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। अब मैं जिस शून्य के बिना सब शून्य है उसे अतिरिक्त मिलाकर विश्व को दिया। अब पाटलिपुत्र की धरा पर जन्म लेकर नालंदा में ज्ञान को जिया। अपनी दूरी पर पृथ्वी घूमती है, यह भेद संसार को बता दिया। गणित विज्ञान खगोल की विधाएं जग को बताकर भारत भूमि को विश्व गुरु बना दिया। वंदन वंदन वंदन, मैं हूँ आर्यभट्ट। Well done, please. Everybody is clapping for you. Come on. Bolo. Who are you? Kya banne ho aap? Raina? Kya ye Kalpana Chawla hai? Yes. Achha. Ye to hume pata lag gaya. Okay. Please, you round of applause for him. For her. Dance? You want dance? You want dance? Yes, come on. My name is Daksh Chandravarya. I will tell you experiment. Which one? Ball. I will inflate the balloon. Oh, that will be new for us. This is baking soda. Vinegar and baking. This is balloon. And here is some baking soda. Inside the balloon is baking soda. So, जब भी मैं बेकिंग सोडा डालूंगा तो बलून इन्फ्लेट हो जाएगा। ओके, बेकिंग सोडा इज एडेड। ओ एंड व्हाट इज हैपनिंग हियर? Okay, got it. Oh, wow, this experiment is successful. Wow,
good, good, very good. Thank you. Thank you, Daksh. Thank you. My name is Ashani. I'm 6 years old. I am a girl. My school name is Om Prakash Balvikas Mandir. मैं आज आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाने वाली हूँ. मैंने एक ज़िपलॉक बैग में एक वाटर भर रखा है. आज मैं फिर इसमें इसके अंदर पेंसिल भरूंगी. आराम पार करूँगी. My name is Ishan. ये देखो इसमें पानी नहीं गिरा, क्योंकि अगर इसमें हवा होती तो पानी पूरा गिर जाता. अगर इसमें हवा नहीं है तो पानी पूरा नहीं गिरा. हमारी पेंसिल आराम पार हो गई. ये देखिए, ये मैंने अब ये हो गया. थैंक यू. थैंक यू ईशान. अंतरिक्ष में गूंज रहे हम अंतरिक्ष में गूंज रहे हम चंद्रयान के गान में चांद तिरंगे रंग में रंगा. चांद तिरंगे रंग में रंगा. एक नई पहचान के लिए आप सभी को नमस्कार. मैं ऋतु कदियार आज आपको चंद्रयान 3 में बिठाकर चांद की सैर करवाऊंगी. बचपन से ही मेरा अंतरिक्ष में जाना सपना था. जब इसरो से कॉल आया तो मानिए मेरी जिंदगी ही बदल गई. अगर चांद की ये जिद है कि बिजलियाँ वहीं गिरेगी, तो सुन ले ऋतु की भी जिद है कि आशियाना तो चांद के साउथ पोल पर ही बनेगा. एंड वी आर रेडी टू टेक आउट चंद्रयान 3 अंडर द लीडरशिप ऑफ ऋतु कदियार. थैंक यू रिया जी. वेल डन. वी हैव नाउ जो हम सोकर देखते हैं. सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. थैंक यू. तालियां जोरदार होनी चाहिए. सानवी सिंह प्लीज कम ऑन द स्टेज. कम ऑन सानवी. क्लैप फॉर सानवी प्लीज. क्लैप. शी इज डूइंग सम एक्सपेरिमेंट. ओह अगेन एक्सपेरिमेंट. वेरी गुड. Hello, I am C.P. Raman. My full name is Chandra Shekhar Venkata Raman. My father's name is Chandra Shekhara Ramanathan Ayyar. My mother's name was Parvati Ammal. I was born in Trichurapalli, Tamil Nadu on 7th November 1888. I studied in the Presidency College of Madras. One day I was traveling in my ship and then I thought that why do a glass of water doesn't have color? We don't know about it. And the sea water has blue color. The theory before this was blue color scattered more than from light. And then after that, I was eager to know more about it. So I
started my research on it. I found out that the blue color scattered more than any color in the sky. For this, I won the Nobel Prize in Physics in 1930. So, do more inventions and discoveries to make the world better. Thank you. Well done, well done. Sanvi, well done. Vandita J14, now we will be with us. Vandita. J14. Shrestha. Taliya se swagat ke liye hamari team scientist ka. Okay, antariksh vaigyanik Rakesh Sharma hamare saath hain. Huge round of applause. Shrestha. Wow. Priya Singh, J16. Priya Singh, come on the stage, please. Namaste, मैं Priya Singh, कक्षा तीसरी की छात्र हूँ. मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ. मैं आज आनंदीबाई गोपाल राव जोशी बनी हूँ. मैं पहली महिला डॉक्टर थी. मैंने 19 साल की उम्र में डॉक्टरी की डिग्री अमेरिका में शुरू करी थी. थैंक यू. थैंक यू रिया. थैंक यू हिरेन सिंह J17 नाउ विल बी विद अस. सभी को मेरा नमस्कार. मैं हूँ सीवी रमन और मैं एक इंडियन फिजिस्ट हूँ और मैंने लाइट स्कैटरिंग पे काम करा है. जय भारत. जय हिंद. जय भारत. ओके ओके हीरे. सभी को मेरा नमस्कार. मेरा नाम है डॉक्टर अब्दुल कलाम. वाओ. क्या बनाया उन्होंने? मैंने पोखरण पे काम किया था. जय हिंद. जय भारत. जय भारत. जय भारत. I am लंबी नारायण. I was born in 12 December 1941 in British India. I am an ex-scientist of ISRO, Indian Space Research Organization. I am an Indian aerospace scientist. I contributed significantly to the Indian space program by developing Vikas engine, which is the heart of all Indian rockets like Mangalyaan and Chandrayaan and more. I was wrongly arrested in ISRO spy case. I was awarded with Padma Bhushan award. Thank you. Thank you, Soumil. Thank you. Please go on the backstage. S2, Gayatri Sonti. Namaste, everyone. My name is Janaki Amar and I was born in 1897 in Kerala. And this rose flower named as E.K. Janaki Amma. And I am the scientist of plants. Thank you. Thank you, Gayatri. Thank you. We have now S3 Ritesh Rajora. Good morning. Today, I, Ritesh Rajora of Lalit Mahajan School, have taken a get-up of scientist Shushrutna. He was known as father of surgery. He was the first one to invent plastic surgery and all kinds of surgeries. He was also famous for eye operation. He was the first one to do eye operation. He was born in 800 BC and he was died in 700 BC. Thank you. Thank you, Ritesh. Thank you. Yes. Hi,
सभी को मेरा नमस्कार। मैं इंदिरा हिंदुजा मुंबई में स्थित एक भारतीय महिला चिकित्सक हूँ और मैंने 1988 में 4 जनवरी को ट्यूब बेबी का जन्म दिलवाया था। थैंक यू। तालियां तो बजा दीजिए प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम हर्षद सिंह है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मैं आज पीसी रे बन के आया हूँ। पीसी रे ने पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी इस्टेब्लिश करी थी। उन्होंने उनकी कंपनी का नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। उन्होंने उनकी सबसे प्रसिद्ध बुक थी हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री। धन्यवाद। थैंक यू हर्षद। प्लीज have a huge round of applause for all the kids, please. Okay, next we have Joya S6 with us. Joya. Participant from the senior category, Goranshi Chaudhary, S7. Goranshi, please come on the stage. नमस्ते, मेरा नाम गोरांशी चौधरी है, मैं कक्षा 4 की छात्रा हूँ। मैं श्री रमा भारती पब्लिक स्कूल बहादुरगढ़ हरियाणा में पढ़ती हूँ। मैं आज असीमा छात्री जी बनी हूँ। मेरा जन्म 1917 में हुआ था। मैंने 1944 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की। मैं भारत की पहली महिला थी जिसको डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री मिली। धन्यवाद। वेल डन गोरांशी, वेल डन। ओके, सो नाउ वी विल हैव द ग्रुप फोटोग्राफ ऑफ ऑल द जूनियर एंड द सीनियर। वेट। आवर ऑनरेबल जजेस आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू जॉइन फॉर अ Okay, so do we have the music with us? Okay, our honorable judges are requested to stay on the stage only. Second verse, this is Amrita ma'am. Amrita ma'am, please.
Madam Swavinika Pal, Principal Vidya Bharati School. Thank you, ma'am, for making our event successful. Rajora. Hello everyone. I, Ritesh Rajora of Lalit Mahajan School, I have dressed up like scientist Shishiruta. He was the father of surgery. He was famous for his eyes operation. He invented eyes operation. He was known for plastic surgery. He was the first one who did plastic surgery, and he was born in 800 BC. He was died in 700 BC. Thank you. Junior category we have with us Haraina Harival, J7. Scientist Aryabhatta. Aryabhatta was a great Indian astronomer and mathematician. He was born around 476 AD during the Gupta dynasty in Pataliputra, Bihar. As an astronomer, he gave us the motion of solar system and also said that Earth revolves around its own axis. He also calculated the value of the time of day and year. He also taught the world about phenomenon of solar and lunar eclipses. He concluded that moon revolves around the earth as its satellite and shines due to the reflection of the sunlight. He was also considered the father of Indian mathematics as he invented zero and gave us the value of pi. His further discoveries are algebra, trigonometric functions, indeterminate equations, place value system. His formulas are used all over the world. He wrote three books, Aryabhatiya, Arya Siddhanta, and Al-Lanf. Even Einstein said that we are very grateful to the Indians who taught us how to count, without which the scientific discoveries would not happen. Finally, he died in 550 AD. Thank you. मैरिया सिंह कक्षा तीसरी की छात्र हूँ. मैं बाल भारती पब्लिक स्कूल में पढ़ती हूँ. आज मैं आनंदी बाई गोपाली राव जोशी बनी हूँ. मैं पहली डॉक्टर महिला थी. मैंने 19 साल की उम्र में डॉक्टरी की डिग्री शुरू कर दी थी. थैंक यू.